आज की कहानी है, बहू तेरी भाभी कमाती है, तभी तो तेरे माँ बाप उसे हथेली पर रखते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आपको पता है, पड़ोस की विमला आंटी की बेटी को कॉलेज में लेक्चर की नौकरी मिल गई है। सोचिए, उसकी हर परेशानी अब खत्म हो जाएगी। बेचारी बहुत परेशान रहती थी, अब एक आदमी की कमाई से पूरा घर कैसे चलेगा। उसके सास ससुर भी उसके साथ ही रहते हैं, कितनी परेशानी हो जाती होगी। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, सच में कई बार पैसों की कमी से जीवन उथल पुथल हो जाता है। नैना अपने पति राधव से कहती है। राधव बोला, दूसरों की कामयाबी से खुश और दूसरों के पतियों की ही चिंता करते रहना। अगर तुमने भी अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो आज हमारी भी ऐसी हालत नहीं रहती। दूसरों के बारे में तो सोचती हो, कभी तुमने ये सोचा कि अकेले में कैसे घर को चलाता हूँ। इतना कहकर राधव अपना बैग लेकर दफ्तर चला गया। नैना उदास होकर बैठी थी। उसकी सास आशा जी बोली, बहू मुँह लटकाने से क्या होगा, सच्ची तो कह गया राधव, तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे अपना पल्ला झाड़ लिया था। दूसरे की बात छोड़ो, अपने ही घर में देखो, तुम्हारी भाभी कमाती है, तभी तो तुम्हारे माँ बाप उसे हथेली पर रखते हैं। बहू के लिए सब कुछ किया और अपनी बेटी को हमारे गले बांध दिया। इतना कहकर आशा जी भी वहाँ से चली गई। नैना तो और दुखी हो गई। नैना दोपहर में काम कर रही थी, तभी उसकी भाभी निया का फोन आया। नैना की आवाज़ से निया समझ गई। जब उसके पूछा तो नैना ने सारी बात बताई। निया ने उसे सांत्वना दिया और अपनी सास विमला जी को पूरी बात बताई। विमला जी बोली, मेरी माँ ने भी कुछ ऐसे ही उम्र में मेरी शादी कर दी थी। हमने सोचा कि लड़का अच्छे घर का है, कमाता है, तो जल्दी से बेटी की हाथ पीले कर दो, पर हमें क्या पता था कि आगे चलकर उसे इतनी तकलीफ होगी। निया बोली, मम्मी जी पीढ़िया साई जो भी हो, पर बेटी की शादी कर देने से ही माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। क्या हुआ अगर दीदी ने उस वक्त अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, अब करवा दीजिए। विमला जी बोली, बहू क्या कहना चाह रही हो। निया बोली, मम्मी जी देर नहीं हुई है, क्यों ना दीदी की पढ़ाई हम अब पूरी करवा दे, आखिर उनकी उम्र ही कितनी है। अधूरी पढ़ाई हर पीढ़ी में बहू बेटी दोनों को रुलाती है, ये बात तो आप जानती ही है। निया ने भी अपनी पढ़ाई शादी के बाद पूरी की थी, बाद में उसने ट्रेनिंग ली। अब वो एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी कर रही थी। निया ने पूरे परिवार से बात की तो उसका पति मानव बोला, माँ निया सही तो कर रही है, नैना की शादी को 2 साल हो गए, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, आखिर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। निया ने जब नैना को ये बात बताई तो वह बहुत खुश हुई और बोली, भाभी क्या मेरे ससुराल वाले मानेंगे। निया बोली, मानना ही होगा, जब वो आपको ताने दे सकते हैं तो क्या आपकी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वक्त नहीं दे सकते। आप चिंता मत कीजिए, आपके भैया उनसे बात करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कई बार अपनों की ही बातें सुनने पड़ती हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। मानव ने बहन के ससुराल वालों से बात की और उसे अपने पास ले आया। निया अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में पूरी मेहनत से लगी थी। एक रोज़ राघव का फोन आया, यही
सब करना था तो शादी के पहले करती, मैं नौकरी भी करूं और अपना काम भी करूं। मेरी बूढ़ी माँ घर के काम कर रही है और तुम वहाँ मजे कर रही हो। कुछ किताबें पढ़ लेने से तुम काबिल नहीं हो जाओगी। मायके वालों ने बड़ा सड़ा दिया और तुम भी घोड़े पर सड़ गई। तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई पूरे करते ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? नैना बोली, पढ़ाई बस नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। नौकरी करके कुछ नहीं तो आत्मनिर्भर तो बन ही जाऊंगी। कम से कम 2 पैसों के लिए आपके पास हाथ तो नहीं फैलाऊंगी। आप ही तो कहते थे कि आप अकेले कमाकर परेशान हो गए, फिर अब क्या हो गया? दोनों में बहुत बहस हुई। नैना उदास थी तो निया बोली, औरत जब भी अपने लिए कुछ करती तो इसी तरह बांधाए खड़ी होती है। आपको क्या लगता है मेरे साथ ये सब नहीं हुआ? पीढ़ियाँ सही जो भी हो, कुछ लोगों की मानसिकता बदलते बदलते ही बदलती है। नैना बोली, भाभी फिर आपने क्या किया? निया बोली, मेरे साथ भी हुआ था पर मैं अपने निर्णय पर अड़ी रही। आगे चलकर आपके भाई और पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया। विश्वास रखिए, जिस रोज आप कुछ कर लेगी हर किसी की नजरों में समेकने लगेगी। बस अपना हौसला बनाए रखिए। नैना बीस मैं राघव को फोन करके समझाती थी और जब कभी राघव उससे मिलने आता तो निया भी उन्हें समझाती थी। नैना की लगन को देखकर राघव उसके बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। हर परेशानियों को खत्म करके निया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने ससुराल लौट गई। एक रोज निया रसोई के काम में लगी तो राघव बोला, दोबारा से इतनी मेहनत करके फिर से वही गलती दोहरा रही हो? निया बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? राघव बोला, पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके आगे क्या करना है इसके बारे में कुछ सोचा है? आशा जी बोली, राघव क्या तुम भी पत्नी से नौकरी कर पाओगे और अपनी माँ से घर के काम करवाओगे? राघव बोला, माँ जब इसने इतनी मेहनत की है तो इसका मोल इसे समझाना ही होगा। आशा जी बिल्कुल तैयार नहीं थी परंतु राघव बदल चुका था। उसने पत्नी के लिए अपने किसी साथी से बात की जिन्होंने उसे कुछ महीनों की ट्रेनिंग के लिए अपनी कंपनी में लिया, जिसमें राघव ने निया का पूरा साथ दिया। समय बीता, दोनों पति पत्नी मिलजुल कर घर के काम को निपटाते और अपने अपने काम में लग जाते थे। एक रोज आशा जी बोली, बहु पढ़ाई और नौकरी तो कर ली, बच्चे कब करोगी? लोग मुझे ताने देते हैं कि बहू कि शादी को 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए हैं। निया बोली, मम्मी जी अधूरा ज्ञान लेकर मैं अच्छी माँ भी नहीं बन पाऊंगी। बस अपना ज्ञान बढ़ा लूँ फिर आपको दादी बनने का सुख दूंगी, विश्वास रखिए। निया ने प्राइवेट से अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। वह दिन रात मेहनत कर रही थी। राघव का साथ मिलता और मायके का हौसला जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की थी। 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद निया को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे पूरा परिवार खुश हुआ। एक रोज राघव ने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी और बोला, काश मैं तुम्हारा साथ पहले देता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। निया बोली, इसमें गलती मेरी भी है, जब मेरी पढ़ाई अधूरी थी तो मुझे शादी के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि अधूरी पढ़ाई बेटी और बहू हर किसी को रुलाती है। आशा जी बोली, बहू पढ़ाई भी पूरी कर ली, नौकरी भी शुरू कर ली, अब क्या इरादा है? निया मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी
अभी अपनी ख्वाहिशों को पंख देना शुरू हक दिया है। थोड़ा वक्त दीजिए, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करूंगी। अगर ईश्वर ने मुझे बेटी दी तो मैं उसे पहले पूरा पढ़ाऊंगी और आत्मनिर्भर बनाऊंगी, फिर उसकी शादी के बारे में सोचूंगी। आशा जी बोली, चलो अच्छा है, कम से कम तुमने परिवार बढ़ाने का सोचा तो मैं इतने में से ही खुश हूँ। राघव धीरे से बोला, तो चलो उसकी भी तैयारी करते हैं। नैना बोली, पति देव इंतजार कीजिए, ज्ञान किसी भी चीज का अधूरा हो तो बड़ी दिक्कत होती है। माँ बनने के लिए भी हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, पहले उसे अपनी माँ और सास से लूँ फिर। दोनों हंसने लगे, वक्त बीता, सबकी सोच बदली। निया और नैना दोनों ने एक वक्त पर अपने परिवारों को खुशखबरी दी। दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था और हर किसी को अपनी गलती का एहसास था कि अधूरा ज्ञान बहु बेटियों के लिए दुखदायी होता है। परिवार का साथ मिला और दोनों ने अपने बढ़ते हुए कदम को रोका नहीं और आत्मनिर्भर बन